Ilappa, you are in danger. तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में, वहीं जानेंगे सूर्या सैटरडे के 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और जानेंगे स्त्री 2 के 18 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो अगर देखा जाए ऑल इंडिया से इंडिया में अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे करीब 54,000 टिकट सोल्ड कर चुकी है, जिससे कि एडवांस बुकिंग देखा जाए तो 1,36,00,000 हो चुका है। और यह मूवी की जो कि अभी तक एडवांस बुकिंग खोला गया है वो तमिल और तेलुगु में ही इस फिल्म का जो कि एडवांस बुकिंग है वो ओपन हुआ है। तो इस कारण से अभी तक देखा जाए तो काफ़ी इनकम अभी फर्स्ट डे यहाँ पे एडवांस बुकिंग है, और देखते हैं कि आगे चल के किस तरह का यहाँ पे इंडिया में एडवांस बुकिंग हो रहा है। तो उसके बाद अगर ओवरसीज़ की बात करें तो करीब 15 करोड़ के आसपास यहाँ पे एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ से हो चुका है, प्री सेल और जो कि वीकेंड में एडवांस बुकिंग होता है उससे हो चुका है। तो 15 करोड़ ओवरसीज़ से हो चुका है और अभी तक देखा जाए तो करीब, और ब्लॉक सीट अगर इंडिया से देखा जाए तो 1,64,00,000 हो चुका है। तो 1,64,00,000 इंडिया से हो चुका है और ओवरसीज़ से 15 करोड़ हो चुका है। तो इंडिया में अगर सारी लैंग्वेज में यहाँ पे एडवांस बुकिंग ओपन होता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसमें से बढ़ोतरी होने का उम्मीद है। तो चलिए अब जान लेते हैं सूर्या सैटरडे के 4 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो विवेक अथाड़िया के डायरेक्शन में बनने वाली सूर्या सैटरडे, जिसके लीड रोल में आपको नेचुरल स्टार नानी के साथ एजे सूर्या नज़र आ रहे हैं, वहीं इस फिल्म का जो कि शुरुआती कलेक्शन है वो जान लेते हैं। तो अपने पहले दिन ओपनिंग डे इंडिया ने कलेक्शन से 9 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। वहीं इसके दूसरे दिन फ्राइडे का कलेक्शन 5,85,00,000 लग रहा था। वहीं तीसरे दिन का कलेक्शन देखा जाए सैटरडे का तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, और जिस तरह का यहाँ पे रिव्यू आया काफ़ी पॉजिटिव आया, इस कारण से इसके जो कि हिंदी में भी काफ़ी अच्छा शोज मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर जो कि तीसरे दिन सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो 8,75,00,000 की कमाई की। वहीं चौथे दिन का कलेक्शन देखा जाए संडे का तो आज यहां पे अपने चौथे दिन 11,40,00,000 की कमाई करते हुए नजर आ रही है। तो टोटल 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 34,95,00,000 हो चुका है। टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 42 करोड़ हो चुका है। ओवरसीज से देखा जाए तो 18,50,00,000 की कमाई की है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका है 60,50,00,000 रुपये, जो कि इस फिल्म का बजट है वो 90 करोड़ के अराउंड है। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे कम कलेक्शन है, लेकिन 4 दिनों में कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं कि आगे चल के अपने बजट के ऊपर कहाँ तक इस फिल्म का जो कि कलेक्शन है वो जा पाता है। तो चलिए आप जान लेते हैं स्त्री 2 के 18 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनने वाली स्त्री 2, जिसके लीड रोल में आपको श्रद्धा कपूर के साथ राजकुमार राव देखने को मिले थे, वहीं इस फिल्म का जो कि शुरुआती कलेक्शन है वो जान लेते हैं। तो अपने पहले हफ्ते में इंडियन नेट कलेक्शन से 291,65,00,000 की कमाई की थी। वहीं इसके दूसरे हफ्ते का कलेक्शन देखा जाए तो 141,40,00,000 की कमाई की। वहीं इसके बाद बात करते हैं तो 16वें दिन का कलेक्शन, तो अपने 16वें दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 8,50,00,000 की कमाई की। वहीं 17वें दिन का कलेक्शन देखा जाए सैटरडे का तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, और अपने सैटरडे 17वें दिन 16 करोड़ की कमाई की, करीब यहाँ पे देखा जाए तो डबल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद जो कि इसके 18वें दिन यानी कि अगर आज संडे का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब 22,40,00,000 के आसपास का कलेक्शन होने वाला है। तो टोटल 18 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 479,95,00,000 हो चुका है। टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 573,50,00,000 हो चुका है। ओवरसीज देखा जाए तो अभी तक ओवरसीज मार्केट से 110 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 683,50,00,000 रुपये, जो कि इस फिल्म का बजट था मात्र 60 करोड़ के अराउंड था। तो यह मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि द गॉड के पहले दिन का फाइनल एडवांस बुकिंग कितना होने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और स्त्री 2 का फाइनल जो कि लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना होने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह के अपडेट के साथ। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। धन्यवाद।